क्या आपको पता चला कि नथिंग कंपनी फोन बना रही है? और ये सिर्फ रूमर नहीं है, आपको पता ही होगा हम न्यूज़ वही बताते हैं जो सच होती है। अब MWC बार्सिलोना कार्पे ने इसका प्रोटोटाइप शोकेस किया था, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। फोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी और कब तक ये फोन देखने को मिल सकता है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बात करें नथिंग फोन प्रोटोटाइप की, तो कार्पे ने MWC बार्सिलोना में मोबाइल प्रोटोटाइप शोकेस किया था। अब जिनको MWC बार्सिलोना का पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, यह मोबाइल इंडस्ट्री में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं, मतलब ग्लोबल मोबाइल ऑपरेटर्स, डिवाइस मैन्युफैक्चरर, वेंडर, कंटेंट ओनर और भी। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल इवेंट होता है जो इंडस्ट्री के लोगों को टेक्नोलॉजी से या आपस में उन्हें जोड़ता है। कभी और दिन इसके बारे में फुल वीडियो बनाएंगे। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से जब कार्पे की मीटिंग हुई तो वो उन्हें बहुत इम्प्रेसिव लगा। ये प्रोटोटाइप फाइनल प्रोडक्ट से पहले बनाया गया है या फिर शायद ये प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्ट है जिसमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है टेस्टिंग के लिए। इसमें डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स जैसी बहुत सी चीज़ें फाइनल की जाती है या फिर उनमें कोई चेंजेस करने हो तो वो भी इसी से होता है। अगर ये प्रोटोटाइप रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनी को दोबारा काम करना पड़ता है उसी पैटर्न पर। अब प्रोटोटाइप की तो हमने आपको बता दी, लेकिन क्या पता नेक्स्ट मंथ अप्रैल एंड तक आपको शायद ये फ़ोन देखने को मिले, कि अभी तक ज़्यादा बातों का पता नहीं चला है। सबसे मेन, ये फ़ोन ट्रांसपेरेंट होने वाला है तो एकदम ग्लास नहीं मिलेगा जिसके आर पार देखा जा सके, बल्कि नथिंग ईयर वन के तरह आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे ही ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी नथिंग फ़ोन में भी मिलने वाली है जो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। आपने पहले भी इसे देखा हुआ है लेकिन आपको याद नहीं होगा, एक बार Xiaomi ने एक्सप्लोरर एडिशन फ़ोन लॉन्च किया था जो बैक से ट्रांसपेरेंट था और नूबिया भी इस लिस्ट में शामिल है। अब ये देखने वाली बात है नथिंग किस टाइप से इसे इम्प्लीमेंट करेगी और क्या लोगों को ये पसंद आएगी। क्या आपको पता चला, कार्पे ने ट्वीट करके बताया बैक ऑन एंड्रॉयड, जिस पर एंड्रॉयड और क्वालकॉम ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसका सीधा सा मतलब बन जाता है एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये फ़ोन में मिलेगा। अभी लॉन्च डेट भी नहीं आई है और तुम इसको एंड्रॉयड 11 पर सोच रहे थे, और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा। अब स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 हीटिंग और हाई बजट के साथ आता है, उसे छोड़कर नथिंग कोई ऐसा बजट सेगमेंट प्रोसेसर यूज करेगी ताकि एक एंट्री लेवल या फिर बजट स्मार्टफोन बनाया जा सके, जैसे स्नैपड्रैगन 888 870, क्योंकि एक हाई एंड फोन को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कार्पे, मुझे जहां तक लगता है अंडर 40K में रहकर आपको हाई एंड स्पेक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें देकर लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। इससे अगर फ़ोन फ्लॉप भी हो जाता है तो लगभग सभी यूनिट सेल ही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सभी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से होगा ये देखने वाली बात है। यहाँ आपको बेस्ट पॉसिबल स्पेक्स तो मिलेगी, साथ में आपको बेस्ट एंड्रॉयड भी मिलेगा, क्योंकि कुछ बढ़िया बढ़िया स्पेक्स कंपोनेंट्स को असेंबल तो करना है। ऐसा होता ही है, सभी कंपनीज के साथ बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं और इंडिया में असेंबल करके फ़ोन बेच देते हैं। इसी को एक लेवल ऊपर करने के लिए नथिंग में ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन को चूज़ किया गया है, जो नथिंग को और एंड्रॉयड से अलग बनाएगा। ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा जो मेटल यू पर बेस्ड होगा, जो एक बेटर एक्सपीरियंस आपको देगा। अभी तक मोटो के फ़ोन्स में शायद ये देखने को मिला है आपको। यहाँ स्टॉक एंड्रॉयड ब्लोटवेयर फ्री आपको मिलेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम से मिलेंगे, कर्नल सोर्स आउट होंगी ताकि कस्टम रोम अच्छे से काम कर सके। नथिंग के पास खुद की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, लेकिन शायद क्वालकॉम की क्विक 5 चार्ज एडॉप्ट कर ली जाए। अभी सभी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ क्या पता हाइप के लिए लीक्स देखने को मिल जाए आपको। ये प्रोटोटाइप सिंपली आपको सजेशन के लिए दिखाया गया है, फाइनल होने पर आपको टी साइकिल भी देखने को मिल सकता है। इसके और फाइनल लॉन्च में 1 महीने का शायद एटलीस्ट गैप देखने को मिले। फाइनल रिवील से पहले कुछ कुछ स्पेक्स लीक्स की जाएंगी ताकि हाइप थोड़ी और हो सके। नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल एंड तक आपको लॉन्च देखने को मिल सकता है नथिंग के फ़ोन का। दो कंपनीज और मार्केट में नई नई आई है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑसम। इसमें सेरेमिक मटेरियल, टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, ये फ़ोन बनाने वाली कंपनी है या कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, तो ये फ़ोन ज़बरदस्त होने वाला है अगर ये सच में ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अब HTC में आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन देखने को मिल रहा है, ये नई तो नहीं है लेकिन कमबैक तो नई कंपनी की तरह ही कर रही है इतने सालों के बाद, जो मेटावर्स पर बेस्ड होगी। आज के टाइम में कंपनीज एक टाइप के फ़ोन ही बना रही है, कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिल रहा, तो नथिंग फ़ोन
में आपको क्या अलग देखने को मिलना है ये देखने वाली बात है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।